सच्ची वैष्णु, घर में कोई क्रिकेट खेलता है? अगर ये फ्लावर पॉट टूट जाता तो? टूटने दो, तेरे से भरपाई नहीं मांगने वाली। मैंने हमेशा देखा है बच्चों को डांटने के लिए तुझे हमेशा कुछ न कुछ बहाना चाहिए। आई, इनकी हरकत ऐसी है एक दिन ना पूरे घर का कबाड़ा कर देंगे। करने दो। जी नमस्ते, मैं टीचर हूँ। इन्हें मैंने बुलाया, इन दोनों के, ये आज से दोनों को ट्यूशन देंगी। ये टीचर ना चाहिए, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो तुम लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर ही चाहिए, क्योंकि सीधी सादी टीचर को तो तुम बोरी में बंद करके घर से निकाल दोगे। ये ही ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। स्ट्रिक्ट है, ग्रेट। इन बच्चों को ठीक करने के लिए ऐसे ही टीचर चाहिए। आजी, तू इनकी बातों में मत आ, इन दोनों के लिए यही टीचर ठीक है। और टीचर, आप आज से इनकी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। हाँ तेजू आत्या, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो इनका फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाएगा। अरे आप वहां क्यों खड़ी है, आइए ना और इनके ट्यूशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। देखा नरेंद्र सर, क्या हालत हो गई रणविजय की। रणविजय मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाए। और जिस दिन कहने वाले थे उस दिन आपकी कार ने, नरेंद्र सर, रणविजय बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। ना हंसते थे ना बात करते थे, बस हमेशा शांत रहते थे। कभी अपने दिल की बात जताते नहीं थे। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद, अपनी बच्ची की, अपने परिवार की खुशियां। लेकिन उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया नरेंद्र सर, रणविजय की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत अजीब है ना नरेंद्र सर, कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाती है और हमें उस बात का एहसास नहीं होता। मैं जानती हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी का 1.5 साल गुजारा और इतना तो मैं आपको जानती हूं कि आपने किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहा। आपसे एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी गलती नहीं थी, वो बस हो गया। लेकिन गलती ये थी नरेंद्र सर कि आपने कोर्ट में सारे गवाहों को खरीद लिया, झूठे सबूत पेश किए। आप ऐसे नहीं थे नरेंद्र सर। मैं नहीं जानती कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन नरेंद्र सर आपके पास अभी भी मौका है। आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। नरेंद्र सर, मैंने रणविजय की फैमिली से वादा किया है कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। नरेंद्र सर आप बहुत अच्छे और शायद इसीलिए आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। नरेंद्र सर प्लीज, आप जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा ये करके। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यहाँ सिर्फ रणविजय के लिए हूँ, उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा मकसद। नरेंद्र सर प्लीज, मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्लीज चाहिए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। आज बाहर बहुत शोर है और औरतें मुझे घूर घूर कर देख रही थी, पता नहीं आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। क्या है, अक्सर लोग बंदर को देखकर ऐसा ही करते। अजी आपने मुझे, नहीं शोर आ रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। लगता है बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है। चलो चल के देख लेते, क्यों आवाज आ रही है इतनी। अरे इसकी शोर शराबा क्यों करते हैं? अरे अरे क्यों शोर शराबा, चंदा मांगने आए हो? हाँ, अरे गणपति तो अभी गए, मुझे लगता है नवरात्रि का चंदा मांगने आए हैं। अरे उसको तो टाइम है, बाद में दे दूंगी, लेकिन इतना शोर शराबा। हम कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आए, और आए भी होते तो आपसे तो चंदा लेते ही नहीं। ये बात छोड़ा,
पूरी चाली में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हम लोग हैं। ये पंडाल बनता है ना, वो हमारे खर्चे से बनता है, समझे ना? लेना है तो लो, नहीं तो मेरे दरवाजे के सामने क्यों आए वो पहला बोलो। हम आपको आपकी पोती की रास लीला दिखाने आए हैं। ये देखिए फोटो छपी है अंकिता की किसी मर्द के साथ। ए? आज पता चला इतनी सीधी साधी दिखने वाली लड़कियां कितनी बदचलन होती है। ए? मेरे पोती के बारे में कुछ बोलेगी ना तेरी जबान खींच लूंगी। अब गुस्सा करने से क्या होगा, पोती हाथ से निकल गई है, अगर पहले ध्यान रखा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ए तू शान पत्ती मत कर, मेरी पोती हमेशा काबू में रही है। आई बड़ी तो क्या ये फोटो भी झूठा है और खबर देने वाले भी झूठे हैं? मेरे पोती का कैरेक्टर एक कागज का टुकड़ा दिखाएगा। वाह रे वाह, चोर तो चोर पर से चोर। ए पोती की तरफदारी ऐसे कर रही है जैसे वो दूध की दुली हो। ए आग लगली तुमच्या तोंडाला, क्या बोल रही है तू मेरे पोती के बारे में? ज्यादा बात करेगी ना मैं सबको मार डालूं क्या? जोक हुआ नहीं है, तुम्हारी बहन का जोक बन गया है, उसी पे हंस रहे हैं सब लोग। ये देखो क्या लिखा है, तुम्हारी बहन 5 साल से कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या कर रही थी? यार अंकिता मिस को तो मानना पड़ेगा, 5 साल से उनका चक्कर चल रहा है। अरे यार यहाँ तो कोई बात 5 दिन नहीं छुपती, 6वें दिन बीबी पकड़ लेती है। बकवास है, इसने जानबूझकर छपवाया भाई को बदनाम करने के लिए। तुम उसके भाई हो ना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है, तुम्हारी बहन बहुत चालू है। क्या कहा तुमने मेरे ताई के बारे में? अरे अनाप शराब बोल रहा है। देखो प्रशांत, इसे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ताई के बारे में अनाप शराब बोलने के लिए, वो तो तुम्हारी ताई की एक करतूत इस पेपर में छपी है, अब लोग पढ़ेंगे तो रिएक्ट करेंगे ना। और हाँ, आज सिर्फ तुम्हारी ताई की बदनामी नहीं हुई है, इस कंपनी की भी बदनामी हुई है। हम सब इस कंपनी में काम करते हैं, लोग हमें 10 सवाल पूछेंगे। किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी ताई का पर्सनल मैटर है, इसमें अपने आप को और इस कंपनी को मत घसीटो। क्यों ना घसीटें, क्या छपकर आया है देखा? ट्रायलॉजी कंपनी की MD किसी पराये मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है, इसमें कंपनी का नाम इन्वॉल्व हुआ है, और अब ये तुम्हारी ताई का पर्सनल मैटर नहीं है, समझ गए? इसलिए हमारा हक बनता है कि हम तुमसे सवाल करें और कमेंट करें। इसकी वजह से आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, मिस अंकिता जी को MD के पोस्ट से रिजाइन करना होगा, इसी में हमारी कंपनी की भलाई है, इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ है। क्या कह रहे हैं, एक स्टूपिड से आर्टिकल की वजह से रेपुटेशन कैसे डाउन हो सकता है? ये सब जो भी लिखा है ये झूठ है, इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठता है। लोगों को ऑथेंटिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता मिस्टर नरेन, लोग न्यूज पढ़ते हैं और रिएक्ट करते हैं, और इस वक्त हमारे लोगों में मिस अंकिता के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में निगेटिव डिस्कशंस हो रहे हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर आवर कंपनी, सो मिस अंकिता को रिजाइन करना ही पड़ेगा। देखिए मिस्टर सोनी, मैं समझता हूँ, लेकिन वो रिजाइन नहीं करेगी, स्पेशली स्टूपिड से आर्टिकल की वजह तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी कंपनी के MD पे भरोसा है या स्टूपिड से आर्टिकल पर, आप खुद बताइए। देखिए मिस्टर नरेन, मिस अंकिता से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो कंपनी के हित में है, और बोर्ड मेंबर होने के नाते हमें उतना हक है। मैं मानता हूँ आप लोगों को हक है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आप सब लोग ये क्यों मान रहे हैं कि जो छपा है वो सच है? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। मिस्टर नरेन, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस इंसिडेंट के बाद कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू भी गिरेगी और इसके शेयर्स भी गिरेंगे, तो बेहतर यही होगा कि अंकिता जी को MD के पद से हटाया जाए। देखिए मिस्टर शक्ति, जो कुछ भी छपा है ये सब झूठ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इस फोटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये मिस अंकिता का नहीं है? जी हाँ, ये उन्हीं का फोटो है। और ये आदमी, क्या अंकिता इसे नहीं पहचानती? पूछो इनसे कौन है ये। देखिए मिस्टर सक्सेना, ये उनके होने वाले पति, इस आदमी से अंकिता जी की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। मैंने जो भी अंदर प्लीज अपना नाटक अपने पास रखी नरेंद्र सर,
मैं बहुत देख चुकी हूँ आपको वहाँ पे। मैं अंकिता पे शक नहीं कर सकता क्योंकि अंकिता ऐसा कर नहीं सकती। किसके सामने आप ड्रामा कर रहे हैं? मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने सब कुछ किया है ना तो मुंह पर बोलिए कि हाँ मैंने सब कुछ किया है। इतनी हिम्मत रखिए बोलने की। किस दावे के साथ आप बोल सकते हैं कि आपने नहीं किया? आप ही थे ना मेरे साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में, आप ही थे। मैं थी रणवीर चेता और मैं आपको इतने भरोसे के साथ वहाँ पर लेकर गई। क्या दिया आपने मुझे भरोसे के नाम पे? ये पेपर देखिए, देखिए उसमें मेरी फोटो छपी है और रणवीर जी की फोटो छपी है। और क्या कुछ वहां लोगों ने नहीं कहा मुझे? मुझे तब नहीं निकला आपके, किसे दिखाने की कोशिश कर रहे? प्लीज मुझे मुझे मत दिखाइए नरेंद्र जी कि मुझे मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। जो इस फोटो में दिख रहा है ना ये सही है, ये नहीं है नरेंद्र। प्लीज हर इंसान ये बोल रहा था कि मैं रणवीर जी के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ और वो भी गलत रिश्ता हम दोनों का। लेकिन किसी को ये नहीं पता नरेंद्र कि अगर आपने मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं किया होता तो शायद आज मैं रणवीर जी की पत्नी होती। नरेंद्र प्लीज इतना नाटक करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही मुझे भोलापन दिखाइए क्योंकि मैं जानती हूँ असलियत क्या है। आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई? आपको एक बार नहीं लगा नरेंद्र कि ये फोटो छपाने से पहले एक बार आप सोचते कि जिसकी फोटो मैं छपा रहा हूँ कभी मेरी बीवी थी? एक बार आपने नहीं सोचा? क्या हो गया आपको नरेंद्र? क्या हुआ वैशु? वैशु बोल ना बेटा, क्या हुआ? कब से रोए जा रही है? कितनी बार मैंने पूछा तू बताती नहीं, बोल ना बेटा क्या हुआ? वैष्णवी तुम कुछ बताओगी तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना। वैष्णवी बोलेगी हाँ, स्कूल में किसी से लड़ झगड़ कर आई होगी और टीचर ने पनिश किया होगा। अब हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना है जिसका इतना बड़ा दिल हो कि इसकी हर गलती मैं माफ करती हूँ। वैष्णवी वैष्णवी तू रो क्यों रही है? क्या हुआ इसे? अजी ये रो क्यों रही है इतना? अरे देवा ये तुझे भी कुछ नहीं बता रही है, हम कब से पूछे जा रहे हैं, देख ना बताती नहीं है। आशी वैष्णवी क्या हुआ है तू इतना क्यों रो रही? आशी बताओ क्या हुआ वैष्णवी को, ये रो क्यों रही है इतना? स्कूल में कुछ हुआ? क्योंकि उसके स्कूल में बच्चे लोग से लड़ाई हो गए। देखा मैंने सही कहा था। वैष्णवी बता क्यों रो रही है तू, क्या हुआ? छोटी माँ वो बच्चे आपका नाम लेकर चिढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। कह रहे थे कि आज आपके बारे में अखबार में गंदी गंदी चीजें छपी है। क्या ये सच है छोटी माँ? मुझे यहाँ नहीं रहना है छोटी माँ, प्लीज ले चलिए ना। मिस्टर नरेन, अंकिता के कंपनी में रहने से कंपनी को बहुत नुकसान है, कंपनी की गुडविल स्टेक पर है। आप जानते हैं कि हम जिस मार्केट के लिए काम करते हैं उसमें मोरालिटी कितना मायने रखती है, और जब यही नहीं है। खैर छोड़िए, सिंपल सी डिमांड हमारी ये है कि या तो कंपनी में आप उन्हें रखिए या फिर हम रहेंगे। और अकेले ये मेरी डिमांड नहीं है, सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स यही चाहते हैं। और अगर मैं बैकआउट हो गया तो समझिए सभी देखिए कोई जरूरी फोन है तो आप अटेंड कर लीजिए। मिस्टर नरेन हमने जो कहना था, जिस मुद्दे पर बात करनी थी हमने कह दिया। एक मिनट सक्सेना जी, मुझे लग रहा है आप लोग पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर रहे हैं। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसे वो जीने का पूरा हक है। और अंकिता की भी एक पर्सनल लाइफ, उसमें उसका नाम किससे जुड़ रहा है किससे नहीं जुड़ रहा है दैट्स हर प्रॉब्लम। इससे उसके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई झोंक तो नहीं मारा मैंने? मिस्टर नरेन मुझे पता नहीं कि वुमेन साइकोलॉजी के बारे में आप कितना जानते हैं। वो दिल से ज्यादा दिमाग से कम काम लेती हैं। अब देखिए ना, पिछले गणपति को 10 लोगों को उन्होंने छुट्टी सैंक्शन कर दी और 4 लोगों को सिक लीव दिया। क्या इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर नहीं आएगा? आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप समझ सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट मोरालिटी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब है। देखिए सक्सेना जी, इसको छुट्टी दें। एनफ मिस्टर नरेन, आप ये मत बोलिए कि आप इस कंपनी के मालिक नहीं हैं। आप भी कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं और कंपनी के हित में आपको बात करनी चाहिए। वो तो मानव जी की और आपके रिलेशन को देखते हुए मैं यहाँ बात करने चला आया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी कहेंगे मैं सिर झुकाकर मान लूंगा। दिस इज फुल एंड फाइनल। अच्छा तो यही होगा कि आप खुद को और हमें इस मैटर से दूर रखें। दैट्स ऑल। अंकिता तू ये कपड़े क्यों निकाल रही है? कहीं जा रही हो क्या?
अच्छा मैं वापस आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बनारस। अरे लेकिन तो नहीं अच्छे, बस बहुत हो गया। अच्छा मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ इस लड़ाई से। और ऐसे होता है अजय कि कभी कभी इंसान की हिम्मत भी जवाब दी जाती है। मैं सच बोलूँ अजय, मेरी वजह से कहीं ना कहीं इस बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लेकिन अंकिता तू अजय, मैं क्यों आई थी? रणविजय के लिए, मैं उन्हें न्याय दिला सकती। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बच्ची के साथ गलत कर रही हूँ, इसके साथ अन्याय कर रही हूँ। और अजी करके देख लिया, मैंने नरेन से भी बात की, मैंने नरेन से भी कहा अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन वो भी तैयार नहीं है अजी। और अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी जिद के लिए मैं इस बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। यार आकर मुझे सही साबित कर दो। हसबा यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा सुबह। मुझे वापस जाना है, मैं नहीं रह सकती। जानता हूँ, लेकिन बेटा ये क्या, इतनी जल्दी तुमने हार मान ली? मैंने तुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और मुझे पूरा यकीन था कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तू कभी नहीं डगमगाएगी। और कोई डगमगा जाएगा लेकिन तू कभी हिम्मत नहीं हारेगी, हिम्मत से उन मुश्किलों का सामना करेगी। आज तू यहां से भाग रही है? मैं भाग नहीं रही हूं सुबह, मैं थक। मैं जानता हूं अंकिता, बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गलती उन बोर्ड मेंबर्स की है, उन बोर्ड मेंबर्स की बातों को इतना इंपॉर्टेंस मत दे, उन लोगों को रिजाइन करना चाहिए। तू इस कंपनी की एमडी है और आगे भी रहेगी। बात से बोर्ड मेंबर्स की नहीं है, आपको पता है वैष्णवी के साथ क्या हुआ? मैं वो भी मैं जानता हूँ, तो आप ही बताइए आजुबा, मैं इस बच्ची को इस तरह यहाँ कैसे रख सकती हूँ? बेटा तू मत चिंता कर उसके बारे में, आगे ऐसा नहीं होगा, आज हुआ है बार बार नहीं होगा। और आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे। लेकिन आजुबा आप, मैंने कहा ना तुझसे तू चिंता मत कर। आजुबा देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ रुकने से कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो यहाँ इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये बोर्ड मेंबर्स यहाँ से चले गए ना तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। बेटा वो लोग तुझे गलत समझ रहे हैं, तो रिजाइन वो करेंगे, गलती उनकी है, तू क्यों रिजाइन करेगी? मैं क्या सोच कर यहाँ आई थी और क्या हो गया, बस एक हारी यहाँ आकर मिली और कुछ नहीं। कभी नहीं सोचा था कि रणविजय को न्याय दिलाते दिलाते मैं इतनी थक जाऊंगी कि बीच रास्ते टूट कर मुझे यहां से जाना पड़े। मैडम वो बच्चा, वो किसका बच्चा है? मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे बहुत कुछ हो जाता था अगर ये मैडम यहाँ नहीं होती, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपके बच्चे की जान बचाई। ऐसी कोई बात नहीं, अब ये ठीक है, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे ये मेरे पति हैं। सुना आपने, आज इनकी वजह से हमारा बच्चा सुरक्षित है। आपको पता नहीं है मैम, आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। आजकल तो अपने लोग भी अपनों के लिए इतना नहीं करते, और आपने तो एक पराए बच्चे की जान बचाई है। पापा ये आंटी बहुत अच्छी है। आखिर आपने ऐसा किया क्यों, या किसके कहने पर? क्योंकि अंकिता जिस पोजीशन पे है, वो उस पोजीशन पे हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है आपकी, बल्कि वो तो ऐसी लड़की है जो आगे बढ़कर किसी की मदद ही करती, उसको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती। तो फिर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप भला ऐसा करेंगे क्यों?
खैर अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, या तो अंकिता से माफी मांगिए और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खारिज कर दीजिए, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर क्या सोचा आप, क्या करेंगे? अंकिता मैडम कहीं नहीं जाएंगी और ना ही वो इस पोस्ट से रिजाइन करेंगी। गुड डिसीजन। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी इन धमकियों से डरकर ऐसा फैसला कर रहा हूं, बल्कि मैंने मैम की अच्छाइयों को देखा है। उन्होंने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके बावजूद अगर मैं अन्याय करूंगा तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। मिस अंकिता जी को एमडी के पोस्ट से रिजाइन करना होगा, इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ। देखिए मिस शक्ति, जो कुछ भी छिपाया ये सब झूठ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने तुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी और मुझे पूरा यकीन था कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तू कभी नहीं डगमगाएगी। छोटी माँ, आप यहाँ से नहीं जाना चाहती, आपका मन नहीं है तो आप मत जाइए। अंकिता एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो? नहीं सर, प्लीज। अंकिता जी सॉरी, प्लीज आप यहाँ से मत जाइए और अपना रेजिग्नेशन भी मत दीजिए। हमने बगैर कुछ जाने समझे आपके करेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। एक्चुअली एमडी की पोस्ट को आप ही डिजर्व करती हैं। दरअसल हमने अखबार में छपी हुई उस न्यूज के ऊपर विश्वास कर लिया और आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, ये जानते हुए भी कि आप बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं, फिर भी आप जा रही हैं। इसी से पता चलता है कि आप कंपनी के लिए कितनी डिवोटेड हैं। आप एक अच्छी एमडी ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए आप कुछ भी पनिशमेंट दीजिए, हम फिर से माफी चाहते हैं आपसे। इस कंपनी को आपकी जरूरत है। छोटी माँ, ये लोग आपसे माफी मांग रहे हैं तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। अंकिता, सब जेन्युइनली बहुत सॉरी, इसलिए प्लीज अब मान जाओ और कहीं मत जाओ। अब जिंदगी किसी के लिए रुकती थोड़ी ना है आजोबा, ये दुनिया ऐसी है कि किसी के मरने के बाद भी नहीं रुकती। तो अंकिता तो अपनी मर्जी से गई है, अब उसके जाने से कोई और उसकी जगह लेगा। उसके जाने पर ना तो ये घर रुकेगा और ना ही कंपनी। मेरा मतलब ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला तो होना चाहिए ना। अब आजूबा की जगह अंकिता ने ली और उसकी जगह कोई और होगा। आजूबा, मैं समझ सकती हूँ, अंकिता ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं, उसका भरोसा तोड़ दिया। अंकिता के चले जाने में भी उसका बड़प्पन है, वरना इतनी बड़ी पावर छोड़कर चले जाना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं होती। लोग अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं लेकिन फिर भी जाते जाते अपना फायदा बटोर कर जाते हैं। वो जो भी हो, सच्चाई यही है कि अंकिता आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सुबह अब वक्त आ गया है, अपने बिजनेस को आपको सही हाथों में सौंपना है। परी, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। आजूबा, मैं आज तक आपका बिजनेस संभालती आई, वो भी एफिशिएंटली। मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं, फिर भी आपने मेरी जगह अंकिता को चुना। मैंने वो भी चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब वो जा चुकी है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे देनी, आपने उसे भी तो एक मौका दिया, तो आप मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? उसका टेस्ट आप ले चुके हैं आजूबा, अब मेरी बारी है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी परी। अंकिता, आशी कहाँ है? वैष्णवी, आशी को बहुत मिस कर रही थी ना तुम, वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अंदर है, चलो जाओ। आजूबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं वापस आती हूँ।
एंड आई प्रॉमिस कि मैं सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मुझे पता था बेटा, तुम मेरा विश्वास तोड़कर कभी नहीं जा सकते। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, और तुम आ गए। हाँ बोलिए परी जी। सक्सेना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम मुझे एन मोहन पर डिच कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, फिर भी तुम। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए क्या बच गया? तुमने मेरे पूरे प्लान पे, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। अंकिता के जाने के बाद मैं कंपनी की ओनर बन जाती। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? परी मैम आप मेरी बात समझिए, अरे इनको सब कुछ पता चल गया है। व्हाट? हाँ उन्हें सब कुछ पता चल गया है। अब यकीन हुआ मुझे, अभी तक तो मैं अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मैं सक्सेना के घर पर था जब तुम वहां आई थी। मुझे लगा कोई कंफ्यूजन, कोई तो गलत फहमी है। मेरी आना मेरी परी ऐसी नहीं हो सकती। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई निकली तुम, कहीं ज्यादा। क्यों, क्या ये बोलो? एक औरत होने के बावजूद तुम एक दूसरी औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगा सकती हो सिर्फ अपने फायदे के लिए, और वो भी उस औरत पर जिस पर ऑलरेडी इतना इतना बुरा कर चुकी हो तुम। उसका पति कोमा में, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे अगर ये सब नहीं तो कम से कम रिश्ते का ख्याल किया। तुम्हारी खुद की बहन है जिसके साथ तुमने ये किया, ऐसा भी पछतावा नहीं? और तुमने मेरा और अंकिता का पीछा किया। तुम्हें मुझे विश्वास नहीं था? हाँ, नहीं था। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था तुम और अंकिता पे तो बिल्कुल भी। अरे ये क्या गिरा? ऐसे तो कोई जान पहचान नहीं थी हमारी, बेमौसम की बारिश, मैं भी अनजान वो भी अनजान, फिर भी कहीं ना कहीं एक रिश्ता जुड़ा था हमारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मेरे आसपास है। वही पहली मुलाकात थी, वो अपने कैबिन में था, मैं बाहर था। उनका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे यही शख्स आगे चलकर मेरे दिल और मेरी जिंदगी पर राज करने वाला है। नाइस, बहुत सुंदर लिखा हुआ, पता नहीं किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है। अरे ये एक और पेपर, मेरी मंजिल अलग थी, मेरे रास्ते अलग थे। एक मोड़ आया और आपके नाम के जीने के सारे दायरे बदल गए। काफी गहराई है इस लिखावट में, शायद किसी को किसी ने बहुत दर्द दिया। जिस बातों की इतनी गहराई तो उसी इंसान को हो सकती है जिसे कभी सच्चा प्यार हो। ऐसे तो प्यार के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, न जाने कितनी डेफिनेशंस, न जाने कितनी थेरेपीज, लेकिन मेरे हिसाब से प्यार जानने समझने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जहां समझ खत्म होती है प्यार वहीं शुरू होता है। मैंने भी ऐसा ही प्यार देखा था जिसमें समझ नहीं थी, बस जज्बात थे, सोच नहीं थी, बस किसी के लिए मर मिटने की चाहत थी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।